ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है समय चक्र में। बढ़ते हैं आगे और आज हम बात करेंगे लक्ष्मी स्थान के ऊपर। तो कल्पेश जी, लक्ष्मी स्थान ये है क्या और किस तरह से इसे देखा जाता है? मित्रों, आज हम बात करेंगे लक्ष्मी स्थान के बारे में। तो लक्ष्मी स्थान को पांचवा और नौवा स्थान जो होता है उसको लक्ष्मी स्थान बोलते हैं। पांचवा स्थान एक संतान है, पांचवा स्थान विद्या है, पांचवा स्थान बड़ी बीमारी यानी छठे स्थान से बारहवा स्थान है, और नौवा स्थान भी शिक्षा का है, नौवा स्थान धर्म का है, यात्रा का है। तो इस स्थान को लक्ष्मी स्थान बोलते हैं। लेकिन ये कितना उचित है कि आज के ज़माने में ये लक्ष्मी स्थान हमको फायदा कर रहा है? लोग बोलते हैं कि लक्ष्मी स्थान का लॉर्ड पहन लो, आपके लिए फ़ायदेमंद है। पांचवा और नौवा जिसको त्रिकोण स्थान बोलते हैं, त्रिकोण स्थान का अधिपति आपको फायदा ही करवाता है। तो मित्रों, एक बात आपको बता दूं कि जब ये ऋषि मुनियों ने लक्ष्मी स्थान का नाम दिया, तब की संस्कृति और आज की संस्कृति के अंदर बहुत ज़्यादा फर्क हो गया है, परिवर्तन आ गया है। आपको इतना बता दूं कि जब ऋषि मुनि की बात करते हैं तो पहले के ज़माने में अपना संतान जो था उसको लक्ष्मी मानते थे, अपना संतान जो करता था और संतान ही उसका धन था। तो आपको बता दूं कि ऋषि मुनि जो लिखा है वो गलत नहीं है, लेकिन उस समय का और आज के ज़माने में बहुत सारा डिफरेंट आ गया है। पहले के ज़माने में ऋषि मुनियों को जो मिलता था वो खा लेते थे, उनको कोई बिजनेस नहीं करना पड़ता था, वो कोई बिजनेस नहीं करते थे, उनको गाड़ी बंगले का सुख नहीं चाहिए था, उनको कोई वाहन की आवश्यकता नहीं थी। आज के ज़माने में, पहले के ज़माने में ये भी देखा है कि जब कुंडली देखते थे, कुंडली के अंदर कई पुरानी कुंडलियाँ मैंने देखी है, उसमें लिखा होता है कि आपको हाथी घोड़े का सुख होगा। आज के ज़माने में हाथी घोड़ा नहीं लिखेंगे, क्योंकि हाथी घोड़ा लिखेंगे तो आप घर पे हाथी घोड़ा कहाँ रखोगे? आज के ज़माने में वो उचित नहीं है। आज गाड़ी बंगला और वाहन का सुख लिखते हैं, तो इतना इतना डिफरेंट है। तो आज परिवर्तन आ गया है। तो पंचम स्थान को लक्ष्मी स्थान बोलते हैं, लेकिन पंचम स्थान आपके कुंडली के अंदर वो कितना फायदाकारक है, नुकसानकारक है, वो पावरफुल होकर बैठा हुआ है या निर्बल है, नौवा स्थान पावरफुल है निर्बल है, ये सारा देखना ज़रूरी रहता है। पहले यात्रा की बात करें तो पहले धार्मिक यात्राएं ज़्यादा होती थी। पहले उसको आपको मालूम ना हो तो बता दो, उसको बोलते थे यात्रा। यात्रा यानी खुद यदि कोई भी त्रास लेके, यानी कोई भी ज़्यादा तकलीफ लेके जो आप कार्य करते थे, पैरों से चल के जाते थे, उसको यात्रा बोलते थे। और आज के ज़माने में उसको यात्रा बोलते हैं। यात्रा क्या है? घूमने फिरने का। पहले पूछते हैं कि हमको अच्छी एसी रूम चाहिए, अच्छी होटल मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पहले अपनी सुख सगवर देखते हैं, उसके बाद ही वो यात्रा करते हैं। पहले से वो होटल भी बुक करवा देते हैं। और जब पहले के ज़माने में यात्रा होती थी, ऐसे नहीं होती थी, जाते थे जब आए तब ठीक, कभी आते ये पता नहीं होता था। तो पहले का और आज के ज़माने में लक्ष्मी हो जो लक्ष्मी स्थान है उसमें बहुत सारा डिफरेंट है। तो लक्ष्मी स्थान को ऐसे ऋषि मुनि ने तो ठीक लिखा हुआ है, लेकिन आज के ज़माने में एक बेटा होते हुए भी अपने बाप के पास नहीं रहता है, शुक्र यानी अर्थोपार्जन के लिए यानी रुपया पैसा कमाने के लिए उसको दूर जाना पड़ता है, तो बाप को भी गलत लगता है और बेटे को पैसा कमाना होता है। तो लक्ष्मी स्थान को इस तरह नहीं देखा जाएगा। लक्ष्मी स्थान अपने लिए अपने बिजनेस है, अपना संबंध है, लक्ष्मी स्थान यानी अपना पत्नी है, लक्ष्मी स्थान यानी अपना बच्चा तो है, लेकिन अच्छा निकला तो ठीक, खराब निकला तो अपने लिए वो खराब है। तो यही चीज़ देखना बहुत ज़रूरी रहता है। लक्ष्मी स्थान के लिए देखा जाता है कि पंचम और नवम स्थान का लॉर्ड सही होना ज़रूरी रहता है। पंचम स्थान को प्रेम बोलते हैं, पंचम स्थान को लागणी बोलते हैं, संबंध बोलते हैं। यदि ये बिगड़ा तो आपके लिए गलत है। पंचम स्थान के लिए ऐसा बोला जाता है कि आप किसी को प्यार करते हो, वो भी पंचम स्थान है, पंचम स्थान से ही देखा जाता है। और पंचम से पंचम यानी उच्च डिग्री भी देखा जाए तो नौवें स्थान से देखा जाता है। यदि आपको अच्छी शिक्षा मिली तो आपके लिए अच्छा है, और अच्छी शिक्षा से आप रुपया पैसा ज़्यादा कमा सकते हो, इसको बोलते हैं लक्ष्मी स्थान जी। और इसके लिए कुछ लोग स्टोन वगैरह भी धारण करते हैं, तो क्या वो हमेशा फायदेकारक होता है? देखो, ये स्टोन की यदि बात करते हैं तो ज्योतिषी सारे लोग बोलते हैं कि केंद्र स्थान, ये त्रिकोण स्थान का मालिक की यदि बात करते हैं
तो त्रिकोण स्थान का मालिक कोई भी पहन सकता है, यानी लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश। लेकिन आप ये क्यों नहीं देखते हो कि ये खराब ग्रह की इफेक्ट लेके यदि आता है तो आपको नुकसान करवाएगा। पंचम स्थान आपका पावरफुल हो गया है, समझो कि मेष लग्न है और पंचम स्थान का लॉर्ड सूर्य है। आपका सूर्य पावरफुल होकर बैठ गया है लग्न स्थान के अंदर, एक तो पूर्व क्षितिज के अंदर बैठ गया है, पावरफुल है, और यदि आप सूर्य पहनाते हो तो उसको अहम बढ़ जाएगा, वो प्राउडी ज़्यादा हो जाएगा और वो सूर्य उसको नेगेटिव इफेक्ट देता है। तो ये चीज़ देखना ज़रूरी है। और आप यदि उसको भाग्य का मालिक गुरु पहनाते हो, धर्म का मालिक गुरु पहनाते हो, लेकिन वो पहले से ज़्यादा धार्मिक है तो उसमें प्लस प्लस माइनस का रिजल्ट मिलता है। वो धार्मिक होते हुए धर्म पे से उसकी आस्था श्रद्धा ज़्यादा बढ़ती नहीं है लेकिन टूट जाती है। तो ये देखना ज़रूरी है। आप पंचमेश और नवेश यानी कि भाग्य का और पंचम स्थान का लॉर्ड पहनाते हो, लेकिन ये देखो कि वो यदि सही स्थिति में बैठा हुआ है तो उसको नहीं पहनाना है, और यदि सही स्थिति में नहीं बैठता है तो ही पहनाओ। तो लोग ऐसे ही बोलते हैं कि भाई आप यदि केंद्र का या त्रिकोण का, या केंद्र की बात छोड़ दो, त्रिकोण की यदि बात करें तो त्रिकोण का मालिक यदि पहनते हो तो आपके लिए फायदेमंद होता है। ये गलत है। पहले आपकी कुंडली के अंदर जो ग्रह वीक पड़ रहा है उसको देख के ही यदि डिसीजन लिया जाता है तो ही वो फायदेमंद हो सकता है। तो ये तो कल्पेश जी ने जानकारी दी लक्ष्मी स्थान के ऊपर। उम्मीद करते हैं ये सब कुछ आपके जीवन में जरूर फायदेमंद साबित होगी। और इसी के साथ यहाँ वक्त चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे आपके भेजे हुए ईमेल्स की, और आप भी हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है kalpeshupadhyay41@yahoo.in। सब्जेक्ट में आप लिखिए समय चक्र और इसके साथ ही अपनी जन्मतिथि, जन्म समय और जन्म स्थान लिखकर हमें ईमेल कर दीजिए। अपना प्रश्न लिखना ना भूलिएगा। आपके प्रश्नों का जवाब कल्पेश जी जरूर देंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हो रहे हैं। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। ग्रहों के रत्न खरीदने का विश्वास पात्र स्थल रोशनी जेम्स एंड ज्वेलर्स। ग्रहों के रत्न खरीद करें सर्टिफिकेट और बायबैक गारंटी के साथ, आपकी किस्मत चमकाएं। रोशनी जेम्स एंड ज्वेलर्स अहमदाबाद, मोबाइल 9904900300।